बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ ज़ुल्फ़िकार शवाहला, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। आइए शामिल करते हैं आज की अहम खबर। शायर मशरक मुफक्कर पाकिस्तान अलामा मोहम्मद इकबाल का 146वां योम विलादत आज मनाया जा रहा है। शायर मशरक के योम पैदाइश पर मुल्क भर में आम तातील है और योम इकबाल के हवाले से तकरीबात मुनक़द की जा रही है। अलामा मोहम्मद इकबाल 20वीं सदी के अजीम शायर, मुसन्निफ़, कानूनदान, सियासतदान और तरीके पाकिस्तान की अहम शख्सियात में से एक थे। इनकी शायरी आज भी लहू गरमा देती है। शायर मशरक मुफक्कर पाकिस्तान डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम इबाई शहर और लाहौर से हासिल करने के बाद 1905 में बरतानिया से वकालत और बाद में जर्मनी से फलसफा में PhD की डिग्री भी हासिल की। डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल ने 1910 में वतन वापसी के बाद शायर के जरिए फिक्री और सियासी तौर पर मुंतशर मुसलमानों को ख्वाब बेगफलत से जगाया। सियासतदान की हसीयत से इनका सबसे बड़ा कारनामा नज़िया पाकिस्तान की तश्कील है। यही नज़िया बाद में पाकिस्तान के क़याम की बुनियाद बना। अलामा मोहम्मद इकबाल की शायरी हिंदुस्तान के मुसलमानों में नई रूप पहुंची। इन्हें नौजवानों से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी। अलामा इकबाल ने नौजवानों को शाहीन और काब जैसे लकाबात से भी पुकारा। अलामा इकबाल को दौर जदीद का सूफी समझा जाता है। शायरी में बिरादरी रुझान तसव्वुर और अहिया उम्मत इस्लाम की तरफ था। इनके फलसफे की पूरी दुनिया मुअत्तरफ है। इनकी शायरी के मजमुओं में बांग, दरा, जबूर, अजम, बाल जबरीन, ज़रब कलीम, जवीन नामा और प्याम मशरक मशहूर है। सूर पाकिस्तान अलामा इकबाल 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में खालके हकीकी से जा मिले। इन्हें बादशाही मस्जिद के पहलू में दफन किया गया।